शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अकेले क्या कर रहे हो शेखर? क्या सोच रहे हो? क्या सोचूं मां लक्ष्मी, जो सोचा वो गलत, जो किया वो गलत, जो समझा वो गलत। मां बाप का पता नहीं, कभी देखा नहीं, अकेले पला बड़ा हुआ, हमेशा अपने बारे में सोचा, ना कभी अच्छा इंसान बन सका, ना कभी अच्छा पुलिस ऑफिसर। ऐसा मत कहो शेखर, आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम उस बॉम्ब से बच पाए, मकान से निकल पाए। ऐसी बात नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे बारे में मेरे इरादे ठीक नहीं थे। और अब अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, डीसीपी साहब की तरह। जानता हूं कि यह रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते पर चलूंगा जरूर। मैं भी तुम्हारे साथ हूं शेखर, तुम्हारे साथ चलूंगी। देखा क्या? ऐसा फाइनल है क्या? कुछ पता चला? आंगरे लगा हुआ है और उस इलाके की पुलिस भी इसे ढूंढ रही है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है नायडू, तुम्हारी वजह से। तुमने अपने आदमी से अंसारी के घर में हथियार रखवाए, उसे गिरफ्तार करवाया, लेकिन वो बेवकूफ अंसारी से फाइल तक हासिल नहीं कर सका और तुम लोग उसका मुंह भी नहीं खुलवा सके। वो किस लिए चुप है मालूम? क्योंकि पुलिस पर से उसका भरोसा उठ चुका है और वो मुझे अदालत में नंगा करना चाहता है, और अब वो हाथ से निकल गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे उड़ा देते हैं वहीं चंदनगढ़ में। आपने ही मना किया था कि पहले फाइल का पता करो, किसी और के हाथ में लग जाए। आप परेशान मत होइए, अंसारी मिल जाएगा। नायडू, तुम यहां तक पहुंचे कैसे? लिफ्ट से? मैं सीढ़ियां चढ़कर आया हूं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं गुनाहों की सीढ़ियां चढ़कर आया हूं। लाशों पर पैर रखकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। उनमें से कुछ अपने भी थे, सबको रोंद के मैं यहां आया हूं। ऐसे ही मेरे कुछ कारनामे उस फाइल में बंद है,
अगर वो मीडिया के हाथ लग जाए तो कुछ ही महीनों में मैं चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूं। नहीं, नो, नेवर। ये बाजी तो मैं नहीं हारूंगा, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ, अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। अंसारी जिंदा अदालत नहीं पहुंचेगा और वो फाइल सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। सर, मीडिया से कुछ लोग आए हैं, अंसारी के केस के बारे में जानना चाहते हैं। उनसे कह दो हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कहने को है, है। उनसे कह दो कि हम अभी आते हैं। सर, जो आज तक तुम और आंगरे नहीं कर पाए वो अब जनता करेगी। चंदनगढ़ दंगों के मुख्य आरोपी डॉक्टर इकबाल अंसारी को चंदनगढ़ से मुंबई लाने गई डीसीपी अनंत श्रीवास्तव की अगुवाई वाली टीम गायब हो गई है। पुलिस महकमे को शक है कि पूरी टीम ने आईएसआई से हाथ मिला लिया है और उन्होंने अंसारी को फरार कर दिया है। इस टीम में डीसीपी अनंत श्रीवास्तव, सीनियर इंस्पेक्टर शेखर वर्मा, इंस्पेक्टर अश्विन गुप्ते, हेड कांस्टेबल कमलेश सावंत और कांस्टेबल गजानन महात्रे शामिल हैं। इनके बारे में आपको कोई भी खबर मिले तो फौरन पास के पुलिस स्टेशन को सूचित करें। अंसारी, क्या कर रहे हो तुम? बेकार, क्यों बचा रहे हैं आप मुझे? मर जाने दीजिए। तुम्हें जीना होगा अंसारी, जीना होगा तुम्हें। क्यों? किसके लिए? अब तक जो मेरे साथ हुआ है वो कम है। मेरी माँ, मेरे बेटे की तबाही देखने के लिए जिंदा रहूं मैं। मेरे जिंदा रहने की अब कोई वजह नहीं है। देखो अंसारी, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम इतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि किसी और अंसारी के साथ ऐसा ना हो। तुम्हें हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ अदालत चलना होगा, ताकि हम इंसाफ के लिए लड़ सकें। सर, साटम साहब का फोन था, उन्होंने बताया कि रात भर से टीवी पर न्यूज आ रही है कि हम लोग आईएसआई के हाथों बिक गए हैं और अंसारी को लेकर कहीं गायब हो गए हैं। सर, लोग लाठी तलवार लेकर अंदर घुस गए। हम लोग पीछे के रास्ते से जा सकते हैं सर? नहीं, हम लोग सामने के रास्ते से जाएंगे। कौन बोला ये? कौन बोला? तुम? तू बोला? तू मारेगा तलवार से? चला मार, मार अंसारी का। अच्छा, मार इसे, मार, 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 मार। क्यों नहीं? मुझे मारेगा? ये ले, मार, मुझे मार, मुझे मार, मत, हट। और कौन मारेगा अंसारी को? बोलो, बोलो, जरा दिखाओ अपना। किधर साले, किधर कितना चुम्मे आकर के वार करते हैं? आंख क्यों नहीं मिलाते मेरे साथ? आंख मिलाकर वार करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और हिम्मत उसके पास होती जिसके दिल में सच्चाई हो। मालूम? अंसारी गद्दार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तू देगा उसे सजा? हैं? पुलिस, जल्लाद तू, जल्लाद तू। किसने हक दिया तुझे?
अंसारी अगर कसूरवार है तो उसे अदालत में सजा मिलेगी। हम ले जा रहे हैं उसे अदालत। तुम इसे अदालत क्या ले जाओगे? तुम तो खुद बिक चुके हो। तरस आता है मुझे आप जैसे लोगों पर। हमेशा हमेशा गुमराह किए जाते हैं, आप लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके ही हाथों से आपके घर को जलवाया जाता है और लोग उस पर हाथ सेकते हैं, फिर भी आप नहीं समझते। वही हो रहा है आज। सच्चाई का पता नहीं, बर्छे तलवार लेकर उतर आते हैं आप लोग सड़क पर। हम जानते हैं सच्चाई क्या है। ये देखो खून बहाया हमने सच्चाई के लिए, मौत से खेले हम। अगर आप समझते हैं कि आप सच्चाई पर हैं और मौत के साथ खेल सकते हैं तो सामने आइए और रोक कर दिखाइए, वरना हट जाइए रास्ते से। सुपरिटेंडेंट साटम साहब का फोन आ गया है। वैसे तो साहब इस स्टेशन पर दिन में कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं रुकती है, पर अभी यार्ड से एक सर्विस ट्रेन आने वाली है, वो खास आपके लिए रुकेगी। वो आपको कल्याण छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। थैंक यू। ओके सर। हाँ डैडी, मैं जल्दी पहुंच रही हूँ। ओके बाय। मना किया था ना फोन करने के लिए। देखिए आप पुलिस वाले हैं, आपके घर वाले ये सब समझ सकते हैं, लेकिन मेरे डैडी ये सब नहीं समझ सकते। मेरी आवाज़ सुनने के बाद ही जान में जान आई है उनकी। बताया तो नहीं हम कहाँ हैं? इंस्पेक्टर शेखर वर्मा, 2 दिन पुलिस के साथ रहकर इतनी तो समझ आ गई है मुझे कि क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। हाँ वैसे तुम्हारे बारे में तो ज़रूर बताया उन्हें। मेरे बारे में? क्या बताया? यही कि एक हैंडसम बहादुर पुलिस वाला मुझे सही सलामत घर पहुंचा देगा और वही किसी दिन मुझे घर से ले जाकर आपकी सारी चिंता दूर कर देगा। नहीं नहीं नहीं, सच्ची कसम से ये बोला? सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या यार तू भी जूनियर। अच्छा बोला, रोमांटिक मूड में था, खाम बीच में भांजी मारती। तू जानता है कि अंसारी का केस खत्म हो जाए ना, महालक्ष्मी से शादी कर लूंगा, 2 दिन बच्चे बच्चे होंगे, फ्लैट ले लूंगा। अच्छा अंसारी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। Oh, 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 oh
ये संघर्ष, ये लड़ाई, आपको लगता है आपके समाज में एक अंसारी को इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, भरोसा है मुझे, देश के कानून पर, संविधान पर। सबका बराबर का हक है। क्या टक्का मक्का बकता है वो? आई हाँ। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? कौन आ रहे? मैं सब इंस्पेक्टर अश्विन गुप्ते। अय्या हो, मालूम है मालूम है, वो इन्होंने बताया था आप भी उनके साथ चंदनगढ़ में। कब आए आप लोग? आज, आज सुबह। वो क्या है ना, टीवी पर न्यूज देखे ना, मैं बहुत घबरा गई थी। मैं मंदिर वंदिर गई, पूजा वजा की, अभी मैं मंदिर ही जा रही थी मैं। हे गुडे रहने मागे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गए आपके लिए। आप आइए ना, या ना। जी नहीं, मैं यही। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? वो नहीं आए? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ? वो नहीं आएंगे, कभी नहीं। बहुत बहादुर आदमी थे आपके पति, बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, कभी घबराए नहीं। आखिरी वक्त आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे आप ही बहुत हिम्मत वाली, घर बच्चा सब कुछ संभालेगी। ऐसे बोलो, पहले मैं बहुत डरने की, जब ये रात को ड्यूटी बजाते थे ना, तब मैं बोलने की उनको, बाकी मर्द भी तो नौकरी करते हैं, वो कैसे शाम को वापस आते, बच्चों के साथ खेलते हैं, चैन से सोते हैं। तुम देखो मेरे को, मैं बोलने की नौकरी छोड़ दूं, मेरे को फिर प्यार से समझाते थे, बोलते थे बेटी इसको तू एक काकी वर्दी वाला सड़क पे खड़ा है करके तो सब लोग चैन से सोते, इसी भली नौकरी को छोड़ने को कहते। अब देखो सब कुछ। आई काय झालं बाबा, कधी येणार? संभाल के, कमाल संभाल के, कैजुअल्टी कैजुअल्टी, चलो जल्दी कैजुअल्टी में लेकर जाओ। जी कैजुअल्टी सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर ये तो मर चुका है। नहीं 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 नहीं, कमान अंसारी, ए तुम
हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें हमें धोखा नहीं दे सकते। अच्छा कमान कमान कह रहा उठ जा उठ। सर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोगों ने आईएसआई से पैसे खाए? मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे परवाह नहीं। आपको सब कुछ बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। सच्चाई यह है कि मैं कैसी बैठी रहेगी मौसी। मुंशी पार्टी वालों को बुलाते हैं, बॉडी उनके हवाले करते हैं। तेरा बेटा देशद्रोही था, कोई कंधा नहीं देगा। मौला, मौला, मेरे मौला, मौला। लोग क्या खुदा भी कहे तो मैं नहीं मानूंगी। अगर मेरा बेटा गुनहगार होता तो ये चार भले इंसान उसे कंधा नहीं देते, इतनी इज्जत से उसे रुखसत नहीं करते। अब क्या फर्क पड़ता है, अंसारी खत्म, केस खत्म। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ। हमने अंसारी को दफन किया, इस केस को नहीं। सुना सुना आपने क्या कह रहा है ये आदमी? अरे यहां केस के साथ साथ जिंदा लोग दफन हो जाते हैं और ये मरे हुए आदमी के केस को जिंदा रखने की बात कर रहा है। और इस अफसर को आपने चुना था, उसके कहने से क्या होता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका तो संबंध सिर्फ कुर्सी के साथ होता है, उस पर बैठने वाले के साथ नहीं। घबराइए मत, मैं उससे बात करूंगा। चाय पीजिए। देखिए खामखा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इंक्वायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब दिखावा है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। इसलिए आप भी उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए और मेरी बात को समझिए। मैं आपको एडिशनल कमिश्नर बना रहा हूं और उसके बाद कमिश्नर भी बनाऊंगा। माला माल हो गए, रिटायर होंगे आप। आपके दूसरे साथियों को भी मैं प्रमोशन दूंगा। और अंसारी? अंसारी वो तो देशद्रोही था, मर गया। सोचो मत, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो, खर्चा मैं उठाऊंगा। शुक्र करो कि अभी मेरा विश्वास कानून से उठा नहीं, वरना तुम्हारी हलक से जुबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे देता मैं। देखो अनंत, जो कुछ कहना है अदालत में कहना, ओके? ए, अदालत में जाके क्या होगा रे? हाँ? तारीख गवाह है। मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस के कितने स्कैम हुए, कितने केसेस दर्ज हुए,
कितनी इंक्वायरीज हुई, कितने बड़े बड़े कमीशन बैठे, लेकिन हुआ क्या है? ठेंगा, आज तक किसी मंत्री की ना सजा हुई है ना होगी, यही हमारे देश का अलिखित कानून है। ये कानून बदलेगा देवधर, और इसकी शुरुआत होगी तुमसे। दुआ करो कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इतनी मार मारूंगा, शरीर में इतने जख्म दूंगा कि दर्द भी परेशान हो जाएगा कि उठे तो कहां से उठे। Watch it.